जब हम एसी चलाते हैं ना इस गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, तो ये आप वाइब्रेशन देख पा रहे होगे कितनी, ये जो आवाज आ रही है ध्यान से सुनो। हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम भाई बात करने वाले हैं, ये हमारे सामने खड़ी है हुंडई i10। ये हमारी 2010 की गाड़ी है। ये मतलब आपको डेट भी दिखाऊं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 नवंबर 2010 का रजिस्ट्रेशन है। और तो मैं भाई आज इस गाड़ी के बारे में, मतलब मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आज भी मतलब इस गाड़ी के बारे में ही बात करने वाला हूँ। मतलब इस गाड़ी में ना क्या खास बातें हैं, क्या मुझे अच्छी बातें लगीं, क्या बेकार बातें लगीं। जैसे अभी मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि हमारी गाड़ी जो है ये कितने किलोमीटर चल गई। वो हमारी चल गई है भाई 1,09,282 किलोमीटर। तो ओवरऑल इतनी चलने के बाद इस गाड़ी में क्या दिक्कत परेशानियां आई हैं, ये चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, मैं इसकी जो बेकार बात है ये सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। तो भाई पहली मैं इसकी बेकार बात मैं इसकी पहली बता देता हूँ। इसकी जो पहली बेकार बात लग रही है, मैं आपको इसकी क्लच दिखाता हूँ, वो आप क्लच देखना कितनी टाइट है। ये देखो भाई, या आप अगर आवाज़ भी आ रही होगी ना आपको, तो आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या इसकी मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है जो क्लिच है। ये मैं आज आपको आवाज़ सुनाऊँ तो ये जो आवाज़ आ रही है ध्यान से सुनो। मतलब भाई अब आप जैसे जाम वगैरह में चल रहे हो ना, तो भाई आपकी जो मतलब गाड़ी आप अगर चला रहे हो और ऐसा जाम वाम लग रहा है अच्छा खासा, मतलब ऐसे चल रही है आपकी गाड़ी 5-6 की स्पीड पे, फिर जाके रुक रही है, फिर दोबारा 5-6 की स्पीड पे आ रही है, फिर दोबारा रुक रही है, ऐसे में ना भाई आपकी लेग्स की बढ़िया एक्सरसाइज होने वाली है। मतलब मस्त मोला आपकी जो ये पैर हैं ये बन जाएंगे आपकी एक्सरसाइज से। मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइट है यार, इसे ऐसे दबाओ फिर ऐसे छोड़ो, बहुत मतलब दबाने में तो यार पूरी ऐसे मतलब ताकत सी लगानी पड़ती है। आप एक बार फिर से आवाज़ सुनना, आप ताकत का भी पता लग जाएगा आपको कितनी ताकत लगानी पड़ती है। मतलब ये लगा लो भाई, जैसे ऐसा लगता है कि मतलब वो जो है क्लिच के जो तार वार हैं वो कहीं बीच में जोर सा डाल ले हूँ। मतलब भाई आप समझ पा रहे हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर भाई इसमें यही दिक्कत लगी मुझे, पहली दिक्कत जो लगी। अब भाई इतनी चलाने के बाद, मतलब तब की ये गाड़ी है 2010 की, तो इसमें कोई इंफोटेनमेंट वगैरह तो इसका वो आता था, ये जैसे स्पोर्ट्स वेरियंट है तो इसमें बाकी कोई तो कमी है नहीं। इसमें जो इन्फोटेनमेंट आता था वो आपका बटन वटन वाला आता था, छोटी सी उसमें डिस्प्ले होती थी। ये हमने बाहर से लगवा रखा है, इसमें जो ये इन्फोटेनमेंट है ये बाहर से लगवा रखा है। ये भाई कुछ टाइम पे आने के बाद ये मतलब ख़राब हो गया। आज जैसे मैं आपको डेट बताऊँ तो आज जो डेट है वो 7 मई 2023 चल रही है। ये गाड़ी हमारी 4 नवंबर 2010 की है, तो आज के टाइम में इसका जो सिर्फ और सिर्फ है ये वाला स्पीकर चलता है। मतलब ये ड्राइवर साइड के बगल में जो पैसेंजर साइड है, पैसेंजर साइड जो स्पीकर लग रहा है डोर में, वो स्पीकर चलता है सिर्फ और सिर्फ। तो पहली मतलब इसे आप दूसरी दिक्कत कह सकते हो, जो इसके स्पीकर्स वगैरह हैं वो मुझे दिखवाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगी थोड़ी सी बेकार सी कि इतने टाइम के बाद इसके जो स्पीकर्स, हाँ सिर्फ और सिर्फ इसमें ना इंफोटेनमेंट चेंज है, और एक ये हमने बाहर से ट्विटर लगवाया था, जो बाकी जो स्पीकर थे इसके सारे के सारे वो आपके स्टॉक के थे। वैनिटी हम देखें तो ड्राइवर साइड नहीं मिलेगी और आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिल जाएगी। तो मैं भाई और तो मतलब कोई ऐसे दिक्कत परेशानी आई नहीं है। अब जो मैं एक और दिक्कत बताऊं, इसका जो स्टेयरिंग है ना वो मतलब थोड़ा सा, जैसे हम मोड़ते ओढ़ते हैं ना गाड़ी, जैसे यू टर्न वगैरह लेना हो तो थोड़ा सा ऐसा है अटक सा जाता है। मतलब ऐसे ताकत सी लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा घुमाने के लिए। मतलब आप समझ पा रहे होगे तो समझ जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ताकत सी लगानी पड़ती है। तो तीसरी दिक्कत जो है वो भाई मुझे ये लगी। भाई चौथी दिक्कत और तो भाई कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में, ओवरऑल बढ़िया गाड़ी है, इसने हमारा बहुत साथ दिया गाड़ी ने, और मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी लगी नहीं। और हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये आप देख पा रहे होगे भाई इसका जो ये IRVM है इसे आप मैनुअली डे नाइट कर सकते हो। अब हमें जो फॉलो कर रहा होगा भाई, मतलब मेरे चैनल को जो शुरू से ही देख रहा होगा उसे पता होगा हमारे पास एक स्विफ्ट भी है, तो उसमें ये चीज़ देखी थी मैंने मारुति सुजुकी वालों ने, ये भाई इसका जो सिस्टम है ये इन्होंने मैनुअली भी नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ ये शीशा दे रखा है उसे ही। मतलब उसमें तो डे नाइट होगा ही नहीं, तभी ये चीज़ है नहीं उसमें। तो भाई मैं ये कह रहा था हुंडई को जैसे मैं कंपेयर कर रहा था सुजुकी से, तो मुझे ये वाली चीज़ हुंडई की बढ़िया लगी। इनके बेस मॉडल में भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह हैं जिससे कस्टमर को ये खुश कर देते हैं। बाकी मतलब वही यार, सुजुकी से थोड़ी बहुत तो महंगी सी हो जाती है, पर भाई वही चीज़ है, अब जब पैसे ले रही है तो भाई आपको सामान वगैरह भी दे रही है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये भाई 2010 के टाइम की गाड़ी है, ये चीज़ आप देखो, मतलब क्रोम की फिनिश में ऐसा लग रहा है मतलब प्रीमियमनेस आ रही है इस वाली चीज़ से भी।
ये वाली चीज मुझे काफी बढ़िया लगी इस गाड़ी में। और भाई ओवरऑल तो मतलब गाड़ी सही है, इतना मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो। बस इसमें ये दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपको मैंने स्विफ्ट में भी वो दिक्कत बताई थी, जैसे सीएनजी पर है हमारी गाड़ी, तो ये भी हमारी जो गाड़ी है ये भी सीएनजी पर ही है। अब इसमें भी वो भाई सेम ही दिक्कत है, मतलब झटके से लेती है सीएनजी पर ये गाड़ी ऐसी भाई, मतलब स्विफ्ट तो कम ही लेती है झटके, ये ज़्यादा लेती है। क्योंकि अब भाई इसको इतना टाइम हो गया, आप लगा लो 2010 से आज 2023 चल रहा है, तो 13 से 14 साल तो वैसे ही हो, मतलब 14 क्या 13 साल ही हो गए, 13 साल 2000 हाँ मतलब नवंबर में 13 साल इसे पूरे हो जाएंगे, 15 साल इसकी वैलिडिटी है। तो मतलब इतनी तो यार दिक्कत इस गाड़ी के लिए तो बन सकती है, लेकिन स्विफ्ट के लिए नहीं बन सकती। तो भाई एक दिक्कत मैं आपको बताना भूल गया, आप जब हम एसी चलाते हैं ना इस गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, तो ये आप वाइब्रेशन देख पा रहे होगे कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, मतलब आपको अगर महसूस हो पा रहा हो ना तो कटर कटर की आवाज़ भी आ रही है। ये यार अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, मतलब ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोतल से ही दिखा सकता हूँ, या वाइब्रेशन का पता लगा सकते हो कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। तो बस एक दिक्कत मुझे ये लगी इस गाड़ी में, तो बाकी ओवरऑल भैया और तो मुझे कोई भी दिक्कत लगी नहीं इस गाड़ी में, ओवरऑल आपकी ये गाड़ी मस्त है। और हाँ ये चीज़ मैं आज आपको और बताऊँ, इसमें ना या आप ये डोर के कंसोल्स वगैरह देख पा रहे होगे, मतलब इसमें चारों पावर विंडो है। और सबसे बड़ी बात ये जो है ना, ये देखना अभी, ये तो यार स्विफ्ट में भी नहीं है, ये देखो ऑटो डाउन है भाई, ऑटो अप तो नहीं है, खैर ऑटो डाउन है, पर भाई 2010 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ऑटो डाउन भी बहुत उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात होती थी। ये देखो ऐसे आपका शीशा खुल जाता है, ये काफ़ी मस्त बात लगी यार मुझे। ये आप बंद कर देते हैं भाई शीशा, और भाई मतलब मैं आपको प्रीमियमनेस दिखाऊं तो भाई आपको मैंने डोर हैंडल्स भी दिखा दिए, और डोर हैंडल्स के साथ मैं ये वाली चीज़ बताऊं आपको, इस इवेंट में भी क्रोम की ऐसे एजिस पर क्रोम की फिनिश दिख रही होगी, तो ये चीज़ भाई थोड़ी थोड़ी सी प्रीमियम बनाती है गाड़ी को। बाकी ओवरऑल तो अपनी गाड़ी सही है, ये यहाँ आपको एक 12V का पावर सॉकेट यहाँ मिल जाता है, एक आपको 12V का पावर सॉकेट यहाँ मिल जाता है देखने के लिए। बाकी ओवरऑल तो वही गाड़ी मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब सब चीज़ बढ़िया है ना, चारों इसमें पावर विंडो मैंने आपको बताई दी है, ओवरऑल कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में। बस ये है पीछे आपको मतलब उस टाइम पर डिफोगर वाइपर तो नहीं मिलते थे, वो तो डिफोगर वाइपर आपको स्कोडा विस्कोडा जैसी गाड़ियाँ ही दे पाती थी, या आपको हुंडई में लगा लो तो वरना दे पाती थी उस टाइम पे। तो बाकी ओवरऑल तो पूरी गाड़ी सही है, और कोई मुझे इसमें दिक्कत परेशानी लगी नहीं। और मैं आपको बाहर से एक मिनट बताऊं, बाहर से इसमें सिर्फ और सिर्फ कमी मैं बताऊं तो इसमें बाहर से कमी आप ये लगा सकते हो, इसके फोग लैंप की कमी, मतलब इस वाले वेरियंट में ना कोई फोग लैंप नहीं आते, ऐसे ही खाली खाली सी जगह रहती है, इसमें कोई भी फोग लैंप वगैरह नहीं आते। बाकी आप साइड से देख पा रहे होगे गाड़ी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, इसमें VT का पेट्रोल इंजन आता है, आपको दिख रही होगी इसके फेंडर पर बैजिंग। बाकी ओवरऑल मस्त है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कितनी बार बोल दिया मैंने कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी ये आप पीछे से ओवरऑल गाड़ी को देख सकते हो गाड़ी कैसी है। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बताऊं तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, देखो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई कमी नहीं है, जैसे उस हिसाब से तो खैर ज़्यादा ही रखते थे, वो सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों में होता था ग्राउंड क्लियरेंस जो कम रखी जाती थी, अब इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, अगर आप जैसे सेकंड हैंड लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ले सकते हो, सेकंड हैंड आपको गाड़ी मिल जाएगी 14-15 रजिस्ट्रेशन की भी शायद से मिल जाएगी, या तब तो शायद नहीं आ गई थी, इसके जो अगला वाला फेस लिफ्ट है शायद से वो आ गया था, जैसे ग्रैंड i10 आ गई थी तब तो, अब तो खैर i10 न्योस चल रही है वो भाई। आपको ये हमने गाड़ी ली थी, मतलब हमने तो खैर सेकंड हैंड ली थी 2000, मतलब जिसने भी ली होगी ये 2010 में ली होगी, और हमने सेकंड हैंड ली थी उससे करीब 2011 या 12 में ली थी, तो हमने ज़्यादा नहीं चली हुई ली थी ये। अब तो जैसे आपको मैंने बताया 1,09,000 कुछ चल गई, हमने ये ली थी भाई 45 से 50,000 चल गई थी, मतलब उसने अच्छी खासी रनिंग थी उस बंदे की, उसने CNG नहीं लगवाई थी, CNG हमने ही लगवाई थी, पर अच्छी खासी उसकी रनिंग थी तो उसने चलाई है अपनी मस्त, ज़्यादा चला ली उसने, मतलब 40-45,000 बहुत होते हैं भाई एक दो साल में चलाना गाड़ी। तो बाकी ओवरऑल भाइयों यही थी गाड़ी, मतलब इस गाड़ी के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, कैसी है कैसी नहीं है गाड़ी। मैंने इसके लिए मतलब मैंने इसकी पहले भी वीडियो बना रखी है, वो मैंने इसके गाड़ी का पूरा ओवरव्यू मतलब रिव्यू सा दे दिया था गाड़ी का, कि मतलब सारी चीज़ें इसके फीचर्स वगैरह मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए थे। तो बाकी भाइयों यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।